हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एक्स वाई जेड ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप शैम्पू में दो चीजें मिलाकर अपने बालों का झड़ना टूटना रोक सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने बालों को लंबा, मजबूत, काला और घना भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हम नहाकर निकलते हैं तो हमारे बाल कितने ज्यादा झड़ने लगते हैं, जब हम कंघी करते हैं तो कंघी में कितने ज्यादा बाल आ जाते हैं। तो इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अगर हमारे बाल इसी तरीके से झड़ते रहे तो एक दिन हम गंजे ही हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, बाल झड़ने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि आजकल बाहर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और धूल मिट्टी रहती है, और हमारा गलत खानपान, और जो लोग बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो आपके बालों का झड़ना तो रोकेगा ही, साथ ही साथ आपके बालों की बढ़ने की ग्रोथ को दुगना कर देगा, यानी कि आपके बाल दुगनी तेजी से लंबे होने लगेंगे, साथ ही साथ आपके बाल लंबे, काले, घने और मजबूत भी हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज्यादा घने दिखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस बेहतरीन रेमेडी को। और इस रेमेडी में जो हम चीजें यूज करेंगे बहुत ही नेचुरल चीजें हैं और आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पर और पेंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस नुस्खे में इस्तेमाल करना है वो है एक शैम्पू, और शैम्पू आपको वो लेना है जो आप हमेशा अपने बालों में यूज करते हैं। जैसे मैं क्लिनिक प्लस यूज करता हूं तो मैं क्लिनिक प्लस ले रहा हूं। अगर आप डव, सनसिल्क या फिर पेंटीन या कोई भी कंपनी यूज करते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इसके अंदर लेंगे वो शैम्पू जो हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम फ्रेंड्स एक शैम्पू का पाउच इस तरीके से जो है डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डाल लिया है। इसके बाद में फ्रेंड्स, हमें जो दूसरी चीज इस नुस्खे में ऐड करनी है, बहुत नेचुरल चीज है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है, वो हर घर में, लगभग सभी लोग अपने घर में इसका एक पौधा रखते ही रखते हैं, वो है दोस्त एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बालों का झड़ना टूटना तो रोकता ही है, साथ ही साथ आपके बालों को तेजी से लंबा होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसके अंदर हम लेंगे फ्रेंड्स कम से कम आधा चम्मच एलोवेरा जेल का। इस प्रकार से हम आधा चम्मच एलोवेरा जेल ले लेंगे, लगभग शैम्पू के बराबर हम ये एलोवेरा जेल लेंगे, जितना शैम्पू उतना ही एलोवेरा जेल। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो हम इसके अंदर अगली चीज ऐड करेंगे वो है दोस्तों विटामिन ई का एक कैप्सूल। और फ्रेंड्स, जो लोग विटामिन ई यूज करते हैं वो लोग जानते हैं विटामिन ई हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, विटामिन ई आपके बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देता है, एक एक बाल आपका बिल्कुल नहीं झड़ेगा इसको यूज करने के बाद, और साथ ही साथ ही आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा हेल्दी और मुलायम बनाता है। तो इसके अंदर लेंगे फ्रेंड्स एक कैप्सूल विटामिन ई का, और ये आपको 2 से 3 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम इसे इस तरीके से पंचर कर लेंगे और इसमें से जो भी विटामिन ई का ऑयल निकलेगा जो भी, वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पूरा एक कैप्सूल। इसके बाद हम जो चौथी और आखिरी चीज हम इस नुस्खे में ऐड करेंगे वो है दोस्तों हनी, यानी कि शहद। और शहद हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ये बालों में डैंड्रफ को बिल्कुल खत्म कर देता है, अगर आपके बालों में खुजली और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देता है, और बालों को बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है हनी ऐड करेंगे, आधा चम्मच से भी थोड़ा इसके अंदर हनी ऐड करेंगे। देखिए, इतना सा हनी आपको ऐड करना है, बहुत ज्यादा हनी आपको ऐड नहीं करना है। ये नुस्खा हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसको फ्रेंड्स हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये चारों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इनका जो मिश्रण तैयार होगा वो आपके लिए, बालों के लिए एकदम वरदान के रूप में समझ लीजिए साबित होगा, कि आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स, पहले ही वॉश के साथ आपके बाल देखेंगे कि आपके बाल कितने ज्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, और लगातार यूज करने से आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग जो है हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्स होकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको अपने बालों को वॉश करना है, किस तरीके से आपको अपने बालों में इसको यूज करना है। फ्रेंड्स, ये आपको वीक में 2 से 3 बार यूज करना है, जैसे आप हमेशा शैम्पू करते हैं उसी तरीके से आपको यूज करना है, कोई आपको डिफरेंट कुछ नहीं करना है। जैसे एक से दो दिन का गैप करके आपको अपने बालों को इससे अच्छे से शैम्पू करना है, लेकिन शैम्पू आपको बहुत ध्यान से करना है। इसको जब आप अपने बालों में लगाएं, अपने स्कैल्प में लगाने के बाद में कम से कम 2 से 3 मिनट, पूरा ध्यान रखें 2 से 3 मिनट हल्के हल्के अपने बालों की जड़ों में इस तरीके से आपको मसाज करने हैं, उंगलियों से
ताकि ये आपके बालों की स्किन अंदर को पोर्स को आपके बालों के जो पोर्स हैं जड़े हैं उनको तो क्लीन करे ही करे, साथ ही साथ आपके स्किन के अंदर भी समा सके, सिर्फ बाहर से ये क्लीन ना करे। अगर ये आप इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। और फ्रेंड जब आप इस तरीके से अपने बालों में मसाज कर लें उसके बाद में आप इसको लगातार 2 से 3 मिनट अपने बालों में यूं ही लगा रहने दें। इस बात का ध्यान रखें, शैम्पू कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट अपने बालों में लगा रहने दें, हाथों हाथ ना धोएं अपने बालों को। और फ्रेंड्स उसके बाद अपने बालों को आप धो लें। और फ्रेंड्स जब आप धो लें पहली बार में आप देखेंगे कि आपके बाल कितने ज्यादा सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आने लगेंगे। और फ्रेंड्स इस नुस्खे का इस्तेमाल लगातार आपको 1 मंथ करना है, और 1 मंथ जब आप इसका यूज कर लेंगे आप देखेंगे कि आपके बालों की लंबाई में काफी फर्क दिखेगा, आपके बाल काफी ज्यादा लंबे दिखने लगेंगे क्योंकि पहले ही बार से अपना असर शुरू कर देता है। और आपका बालों का झड़ना 1 वीक में ही बिल्कुल रुक जाएगा, यानी कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल में ही आपके बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे और बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी और स्मूथ दिखने लगेंगे, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज्यादा काले और घने भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से नुस्खा काम करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा नुस्खा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स।